जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आरबी का आपके अपने मौसम समाचार के वीडियो में। यहाँ यहाँ आप जानेंगे आप अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताजा रिपोर्ट। जी अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें। जी अगर आप हरियाणा के मौसम की ताजा रिपोर्ट पाना चाहते हैं तो प्लीज TR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, हरियाणा में आज देर रात से बदलेगा मौसम, मानसूनी बारिश आने की है संभावना। जी हाँ, हरियाणा में आज रात्रि से मौसम में बदलाव संभावित है। 10 जुलाई से मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जिससे राज्य में 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में हवाएं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जहां हिसार में दिन ही नहीं बल्कि रात्रि भी गर्म हो रही है। हालात यह है कि रात्रि तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 31.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। आने वाले दिनों में बारिश की दिन और रात की गर्मी को कम करने का काम करेगी। जहां मौजूदा समय में मानसून की टर्फ रेखा नीचे आने की संभावना को देखते हुए हरियाणा में 9 जुलाई देर रात से मौसम में बदलाव संभावित है। 10 जुलाई से मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जिससे राज्य में 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मानसून की टर्फ रेखा हिमालय की तरफ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खेचर ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा 19 जून से बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला, अमृतसर पर टिकी हुई है। मानसून टर्फ रेखा हिमालय की तलहटियों की तरफ बनी हुई है। यह टर्फ रेखा हिमालय की तलहटियों से 9 जुलाई से दक्षिण की ओर नीचे आने तथा बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून के सक्रिय होने की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। जी हाँ, ये थे मौसम की ताजा रिपोर्ट। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए TR न्यूज पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।